आज बनाऊंगी मैं करेले। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदी सबक जाओ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। कल शादी में गए थे, आपने देखा था, रात में आके आंखों का कुछ छुड़ाया नहीं मैंने, मतलब निकाला नहीं मेकअप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो, कैसी हो? ठीक है। और रजा यहाँ बैठ के आटा गूंदना सीख रही है अम्मी से। सिखा दिया। अम्मी ने हमेशा हमें भी बचपन में सिखाया कि ये पूरी प्लेट को साफ करना है, बार बार पानी लगा के ना, आटे की थाली पूरी साफ होना चाहिए, एकदम पूरी साफ और पूरी चमकाओ। तुम क्या खा रही हो इधर? मैं, मुझे गिलास नहीं मिला तो मैं इसमें पानी पी रही हूँ। यहाँ पे बन रहा है दाल चावल। आगे स्कूल से इतनी गर्मी में कैसा लगता है? बहुत गर्म लगता है। तो अभी कोई स्पोर्ट्स का तुम्हारा कोई भी पीरियड नहीं होता होगा ना इतनी गर्मी में? होता है। तो फ्रेंड्स, करेले बनाने के लिए सारी चीजें बेटी का लोगों ने बताया, डलती है सौंफ, जीरा और मेथी, ये प्याज। फ्रेंड्स, गर्मी में कुकिंग करना बहुत बड़ी बात है। जो भी सारी घर की जो लेडीज हैं, जो पूरा घर का कुकिंग करती हैं, इतनी गर्मी में बहुत बड़ी बात है। अभी हम आ गए हैं फ्रेंड्स यहीं पास में मीरा रोड में अपने रेस्टोरेंट के लिए लाइट देखने के लिए। जल्दी आओ सोने, जल्दी आओ करके ऐसे कपड़ों में। अरे तो क्या हुआ है ना, अभी हम लोग आ गए यहाँ पे लाइट देखने के लिए। अभी तक गुल्ला को हो रहा था लो फील, अब क्या होगा? हाई, तुमने दवा खा ली है ना, इसलिए तुम्हें नींद आ रही है। गर्म, हम अभी आ गए हैं मार्केट पॉइंट, सभा कर रही है घर में व्लॉग एडिट, यहाँ हमारा पूरा सामान। तो फ्रेंड ले लिया हमने अपना सामान, आज हम लोग जा रहे हैं पैदल, गाड़ी है नहीं आज। अभी पिएंगे गन्ना का जूस लेके, तो उसके बाद चलेंगे। फाइनली हमने आज गन्ने का जूस पी लिया। आपको पता है फ्रेंड्स, अम्मी को मेरे हाथ की बिरयानी पसंद है, तो अम्मी ने कहा कि बस बना दो, फिर आगे से प्रॉपर डाइट शुरू कर दूंगी। थोड़ी गीली बनाना है, थोड़ी सी बनती है, मतलब हल्का सा ऑयल, हाँ हाँ थोड़ा सा। एडिट कर रही हूँ तो सनी मेरी काम में हेल्प कर दे रहे हैं। बहुत ज्यादा बिजी थे, जल्दी जल्दी में हमने रंग नहीं डाला है, थोड़ा पुलाव की तरह लग रहा होगा। डिनर के बाद आधे घंटे की वॉक भी कर ली है फ्रेंड्स हमने। हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, लेकिन चलना तो है ही, आधे घंटे से फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन करना तो है ही। मैंने ना मस्ती मस्ती में एक शायरी बना दी, हिम्मत नहीं थी लेकिन कर लिया क्योंकि करना तो है ही। आप लोग सुन रहे हैं, मतलब शर्म, थोड़ा चले लेकिन चल लिया क्योंकि चलना तो है ही, थोड़ा खाया लेकिन खा लिया, खाना तो है ही, थोड़ा नहाया लेकिन नहा लिया, नहाना तो है ही। ये कोई शायरी है तुम्हारी क्या है? मुझे तो लग रहा था कि मैंने तो कोई बहुत महान काम कर लिया है। जल्दी जल्दी फ्रेंड्स मैंने शायर लिया और रेडी होगी आ चुकी हूँ, वरना मेरी वजह से इन लोग की फिल्म छूट जाती। एक्चुअली बच्चों का ज्यादा दिल था, बहुत दिनों से इनको नहीं। रेडी? रेडी नहीं हुई तुम? सबको ये क्यों लगता है कि मैं रेडी हूँ? नहीं, आज पहली बार तो मूवी देखने में इतना रेडी हो गया। मैंने भी जो चम्मच नहीं, कोई भी चले जाओ यार, कोई ना, मैं चली जाती हूँ। मैंने एक और गलती कर दी, इधर पर है ड्रॉअर के साइड में, मैं अपनी आंखें तो घर ही छोड़ जा रही थी, फिल्म कैसे देखती? अब यहाँ बैठने आई क्या? मार। मैं, तुम कौन सा ले रही हो? सॉल्टेड। हम और रेजा से पानी पियेंगे, कम ऑन। वहाँ से निकलने के लिए पैसे चाहिए थे। फ्रेंड्स, आपको पता है मेहर फर्स्ट टाइम लाइफ में आज सिनेमा हॉल आई थी, वो काफी ज्यादा खुश थी और हम सबको भी फिल्म बहुत ज्यादा अच्छी लगी, स्पेशली लड़कियों को और भी ज्यादा अच्छी लगी क्योंकि इसमें लड़ाई झगड़ा मारधार नहीं है। बहुत टाइम बाद ऐसी फिल्म आई। बेटा मत कर। The next morning. कब आप जा रहे हैं मोदा? आज है जुमा, आप सबको जुमा मुबारक। आज एक मेन जो इम्पोर्टेंट काम करना है वो करना है, बहुत दूर क्रॉफर्ड मार्केट जाके रेस्टोरेंट की चीजें देखनी है। हम हो गए नमाज के लिए रेडी, चलते हैं नमाज पढ़ते हैं। बहुत गर्मी, बहुत तेज धूप है यहाँ पे। जुमा मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। तुम्हारी जगह आपको कैदी बैठी है। आप कहो, तुम कहो, कुछ भी कहो, एक ही बात है। अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक। मैंने नमाज पढ़ ली है, यहाँ पे पढ़ रही है नमाज। नाश्ता बन गया? ये स्पेशल ऑमलेट सिर्फ सभा ही बना पाती है। लाल लाल ये है देसी, ये देसी नहीं, ये है शहर का चाय वाला उबला अंडा। जी नहीं, जी हाँ, इंडियन अंडा है ये, तो देसी अंडा, इतना ऐसा नहीं होता जितना ये दिख रहा है। वो भी तो लोकल हो सकते हैं, मतलब नहीं, मैं मानती हूँ आप मादा से प्यार करते हो, मेरी भी जगह है, मैं भी करती हूँ, लेकिन मादा बात तो सुन लो, मेरी बात में क्या होता है, उन लोग अंडे को चाय पत्ती के पानी में उबालते हैं। नहीं नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, यकीन मानो, मौदा में देसी बिल्कुल मुर्गी खा दिया। ओए कैसे कैसे आया अंडा खाने, अंडा खाने आया है। मैं
बोल दूंगी सबा द ग्रेट खली की बहन भली। अरे बोल दिया मुझे खली आप ना रोएगा बचाने लगे तो मैं नहीं। मुंबई में कोई नया रास्ता बना है, आज हम उसमें जाके देखते हैं कैसा लगता है। तो बहुत डर रही, कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं जा रहा, ये आज ये नहीं जा रहा है, ये नया रोड है। फ्रेंड्स तो नॉर्मल रास्ता ही लग रहा है, मुझे लग रहा था उड़ के जाएगा, जमीन के नीचे से जाएगा, झूले वाला फील आ रहा है। कश्मीर गए थे सर, कितनी लंबी टनल मिली थी नासरी टनल। अंडर कंस्ट्रक्शन था तो उसमें लाइट वाइट प्रॉपर नहीं थी, अभी जाओगी तो हो सकता है पूरी रेडी हो गई होगी। अगर किसी को पता हो तो बताओ। अभी वहाँ का रोड जो बनना था वो रेडी हो गया, अब कुछ ओके ओके है, क्योंकि हम इंशाल्लाह प्लान करेंगे जाने के लिए। जामुन आ गई, पहुँच गया फ्रेंड्स हम लोग मोहम्मद अली रोड, और हम जिस काम से आए वो काम शुरू करते हैं। सही तो है, मटेरियल अच्छा आ गया ना। रेस्टोरेंट के लिए क्रॉकरी देखने आया, लग रहा था घर के लिए डिनर सेट ले लो, इतने प्यारे प्यारे थे। जिस काम के लिए हम लोग वहाँ पे आए थे वो तो हुआ नहीं, हम लोग आ गए हैं मोहम्मद अली रोड पे लोहार चौल, वहाँ जा रहा है क्योंकि हमें लेना है उसके लिए लाइट्स। रमजान में आती तो इतनी भीड़ होती है तो पागल पड़ जाती थी, दुनिया की हर चीज मिलती लग रहा है यहाँ पे। मस्जिद, अब मस्जिद के आसपास कहीं पे यहीं पे होगी भाई, बेहतरीन माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद। मेरा पूरा मुँह लाल हो गया धूप में, लोग बहुत आराम से खा रहे हैं यार यहाँ खड़े होके। ये फ्लूटेड में है, मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है और सनी को ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, अब देखते हैं। नंबर ले लिया? हाँ नंबर मेरे भाई कार्ड ले लिया। कितना बड़ा झूमर, बहुत अच्छा है। साइड में लाइट आएगी, सामने नहीं आएगी। तो वो मिलना है दही बड़े, दही बड़े आ जाओ। और वहाँ पे ना मुझे मैजिशियन भैया भी मिले, जिनके पास बहुत ही अच्छे अच्छे जादू की चीजें थी, मतलब वो मैजिशियन खुद भी है, परफॉर्म भी करते हैं, और उनके पास चीजें भी थी, मतलब आप भी खरीद के जादूगर बन सकते हो। तो मैंने तो बहुत सारी चीजें उनसे सीख ली है, और एक चीज लेके भी आई हूँ, वो मैं घर पे सबको करके दिखाऊंगी, आप देखना नेक्स्ट व्लॉग में। मैं तो शॉक्ड हो गई थी, और मैंने उनसे एक ट्रिक भी सीखी। फ्रेंड्स इतना ज्यादा थक गए थे, मीरा रोड से मोहम्मद अली रोड 35 किलोमीटर के ऊपर है, उसके बाद वहां पे हमें वो चीजें नहीं मिली जो हम चाहते थे, तो हम उसके बाद गए वाशी, क्योंकि हमें किसी ने बताया कि वाशी में आपको और भी ज़्यादा कम प्राइस में मिल जाएगा। और एक्चुअली हम कंफ्यूज भी हैं कि हम मेलामाइन की प्लेट रखें या कांच की, मतलब चीनी मिट्टी की रखें, या फिर ऐसी वाली रखें जो स्टील और तांबे की आती है। तो आप लोग भी सजेस्ट करो क्या सबके लिए अच्छा होता है। चीनी मिट्टी में टूटती बहुत ज़्यादा है सब ये कह रहे हैं, और मेलामाइन हम रखना नहीं चाहते, और ये कैसा लगेगा पता नहीं। तो बस आप लोग भी सजेस्ट करो क्या अच्छा होगा सबके लिए। और यहाँ पे हम आए थे फूड टेस्टिंग के लिए, तो बस हम वही स्टार्टर्स ट्राई कर रहे थे, मज़ेदार थे। और इसके बाद ये उनका स्टाफ है जो कि बहुत स्वीट था, बहुत अच्छा था, और हमारे ब्लॉग्स भी देखते हैं ये लोग, तो इनके साथ वीडियो और फोटो तो बनती है। थैंक यू, इतने सारे नहीं, अम्मी कटोरी में थोड़े से। क्या किया दिन भर? आराम, फोन चलाया। फोन में क्या देखा? यूट्यूब में क्या देखा पता है? इस क्लिप में पता है क्या कर रही हो? कोई भी सवाल पूछो, कुछ भी पूछ लो। कुछ कुछ रिजप्पी तो बोला था उन्होंने, रिहान भाई के साथ पढ़ी, बोला था रिजप्पी आपके साथ, रिजप्पी मैंने आपके साथ आपसे पूछा था नमाज। The next day. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हो गया ब्लॉग का डे 3, और हम लोग जा रहे हैं फिर से हॉस्पिटल मेरी वाली डॉक्टर के पास। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे पेड़ पौधों की वजह से कितना अच्छा लगता है ना, एकदम हरियाली हरियाली। डॉक्टर को दिखा दिया, स्कैन हो चुका है, फिर से एक दो दिन बाद बुलाया है, ठीक है आना तो पड़ता ही। अम्मी कहती है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम यहाँ पे रुके हुए हैं नागौरी टमटम टी पॉइंट पे। वालेकुम अस्सलाम। कट गया? हम निकला है थोड़ा, तुम्हारा वो कर। अच्छी खबर सुनाया बेटा। अम्मा अच्छी खबर बस यही है कि अभी बार बार डॉक्टर के पास जाना है, टाइम लगता है। पढ़ाई कर रही थी? हाँ
राइटिंग कर पढ़ने के लिए दे दिया करो। वो खुद ही अपना लेके आई है। ये कह रहे हैं कि वाई फाई में जल्दी तेज तेज नेट चलता है, देखती है सीरियल देखती है सब जो भी देखती है। सिर्फ हम गए थे तो ये क्या कर रहे, थोड़ी देर आई है खाना खाया है टीवी देखती रही, फिर जब भी अंदर जाती है मोबाइल यहाँ बैठती है सोफे में मोबाइल, तो मैंने इसका वाई फाई हटवा देना। नहीं मैंने फोन देखा बेटी, वो काफी देर यहाँ पे बैठी रही। थोड़े दिन के लिए मोबाइल रख दो, मौका देख के चलाना। दो दिन के लिए नो फोन वाला चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है आप भी नहीं, पर मैं इतना नहीं यूज करती पता है, सब करते हैं वो। मेरा दो दिन के लिए नो फोन चैलेंज, जल्दी जल्दी कटवा लेते हैं ताकि जल्दी बन जाए। आज हम लोग दोबारा ईद मना रहे हैं छोटी सी, क्योंकि हम लोग सब साथ में नहीं थे ईद के टाइम पे, तो हमने कहा और लंच भी नहीं किया अभी मैंने, 5 बजने वाला है। करेले, अच्छा ये भरे हुए करेले कहाँ से अम्मी? आंटी ने दी। अच्छी सबा द ग्रेट शेफ बनाएंगी ईद स्पेशल शीर कुरमा। शायद इन लोगों ने ईदी नहीं दी थी भाई को, अच्छा। ऐसा कुछ है या भाई ने इनको नहीं दी थी, ऐसा कुछ तो चक्कर है, तो ये लोग आपस में ईदी वीदी देंगे, तो फिर इसी बहाने मीठा भी तो होना चाहिए। लेकिन ये कम डालना है शिरोंजी, आपको नहीं पसंद? ज्यादा नहीं। तो सबा यहाँ पे आ चुकी है अपने शीर कुरमा बनाने के लिए, असिस्टेंट बेटी बानो, बेटी 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 खाला के साथ, और कैमरामैन खालिद नियाज के साथ। तुम्हारा कैमरामैन नौकरी छोड़ने वाला है भैया। इलायची पाउडर है कि नहीं? असिस्टेंट वो निकालो झाला। झाला क्या है? तो कान में पहनने वाला होता है, होता है बाला। गोल वाले होते हैं बाला, हाँ। और झाला होते हैं वो जो जैसे डिजाइन वाली बिजली टाइप। अरे झंझिया तुम्हारी, हाँ। झाला उसे भी झाला कहते हैं, हाँ। सनी नियत नहीं लगाते। अभी हम इसमें ये वाले ड्राई फ्रूट्स डाल के तल लेंगे, गैस को धीमा रखेंगे क्योंकि एकदम से भैया मेरे केस में तो बहुत जल्दी जल जाते हैं। ओए फूट रहा है खुशबू। आपके घर में भी कोई एक ऐसा इंसान होता है जो कुकिंग के बीच में आके आधा सामान पहले ही खा जाता है? और अभी हम थोड़ी सी सेवैयां भी फ्राई कर लेंगे, बहुत कम डलती है। अगर ज्यादा डाल लोगे तो काली हो जाएगी क्या? सिवाई से याद आया, मैं सोची कि मामी सिवाई बना दो सनी के लिए स्पेशल। नहीं बनाओ, एक बार बना के तुम देख ली पूरी जल गई थी। बस नीचे पैरों में थोड़ा सा स्टैंड लगवाने पड़ेंगे। मैंने सोच लिया मैं सिर्फ अपनी हेल्थ पे ध्यान रखूंगी। देखो क्या क्या पी रही हूँ, जहर है जहर। थोड़ा सा इलायची पाउडर अब डाल देंगे मखाने। ओ आपके लिए नहीं बचा है, अभी दूध इसमें उछलता और डालना पड़ेगा। सब कुछ डाल दिया है। फ्रेंड्स देखो ये मेरी अम्मी की सच्चाई, इनको ईदी देनी है तो मुझसे ईदी मांग रही है। तो मान नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि हमें बता दो कितनी किसको देना है, अम्मी को नहीं पता ये। हाँ, और उधार वाले मांग रहे हैं, चलो ठीक है। हाँ, तो अभी हाँ, तो मांगना अरे कल मांग लेना, इतने लोग देने को भी तो रिजर्व है। मेरी दुश्मन है, बहन भी बहुत प्यारी दुश्मन भी है। मुझे बहुत मोहब्बत करती है, वैसे हम लड़ जाते हैं, रोज लड़ते हैं, रोज लड़ते हैं, डेली लड़ाई होती है, किचन से ही लड़ती है, बाहर से मैं लड़ती हूँ। एक घर में तो बर्तन खटकते रहते हैं। 500 ईदी के लिए लड़ रहे हैं। 500 तो 2000 देंगे, हाँ। लेकिन बाद में देंगे, अभी 500 देंगे। अभी तुम फैसला करो, वो 2000 देंगे। चलो पहले फैसला करो तुम, वो 2000 देंगे ईद के सूट के लिए, लेकिन अभी 500 ईदी देंगे। ईदी के लिए लड़ाई चल रही है यहाँ पे। हेल्दी हेल्दी डाइट सर, यहाँ पे लोग ईदी के लिए कितना लड़ रहे। अभी चली गई, किसको देना ईदी? रूहान को दे दी थी, रजा को दे दी थी, नहीं दी है। महर को भी दे दी थी, महर को मिल गई। रजा को शुरू में 250 रुपए दे के गए थे। वो ईदी थोड़ी थी, वो तो ऐसे ही थी। और नहीं नहीं, हर बार ईदी तुम लोग अपना लड़ो, तुम लोग जानो। तो वो ईदी दी थी आज पे, हमें जिसको देना था हम दे चुके, आज हम बस लेंगे, ठीक है। मैं तुम्हारा भी अच्छा लग रहा है, सबको सबको उधेर उड़ मची हुई है, सबके मन में चल रहा है हम कितने दे, हम कितने दे। मैं यहाँ का कोई फाइनेंस मिनिस्टर बैठा हूँ, उसको देना है काजू। तुम भी भूल गई, हम भी भूल गए, ये दोनों चीजें डालना भूल गए थे, इसलिए अलग से इसको थोड़ा फ्राई करके फिर डाल देंगे अभी। और मेरे लिए बिना शुगर का पहले निकाल रहे थे, मैं तो बस थोड़ा खाऊंगी क्योंकि मुझे दूध भी नहीं ज्यादा लेना। ले लीजिए। अरे ये वीडियो कॉल कर रहा है, ये कैसे हो? सुन लिया उसने, वाह भाई वाह। थैंक यू। पार्सल सामने साथ इंस्टाग्राम
ये किसकी अलमारी है? लोग कपड़े रखते, तुम बोतलें रखी हो। और ये सेकंड वाली किसकी है? ये भी, ये दो मेरी है। वो बोल रही है मुझे दो, पर मैं नहीं दूंगी। दो ये पहन लो। भाई यहाँ पे कोई मजेदार सा किस्सा बता रहे थे जिसे हम लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे और मजे से भी। तो चलो अभी शेरकुर्मा ऊपर लेके चलते। प्लाजो पहन लेती है, बस पकड़ नहीं पाती। चल पकड़ कैमरा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक हो गई हमारी। पहले उनको जाके ईद मुबारक करो। ईद मुबारक, ईद मुबारक। चम्मच का हाल देखो आप, क्या हो गया चम्मच का। ये देखो बस हो गई, मिल गई। अच्छा तुम भी। हाँ आपको भाई पतली है, थोड़ी चलेगी ना? पतली तो होगी। मुझे भी दे दो। क्यों नहीं किया? हिम्मत ही नहीं हुई डालने के लिए। खा लिया? क्यों? मुझे भी दो ईद दी थी। कितनी बार तुम्हें ईद दूंगा? सबको मिल रही है। ले मेरे ऐसे में झूल ले पकड़ 500। भाई आप दो। नहीं भाई आपकी 250 दे के गया था ना। 250 ईदी नहीं थी। तो क्यों 250 उसमें लिखा है? 250 हम लोग बताएंगे ईदी अभी आप दोगे। हाँ हम लोग बताएंगे कौन सी ईदी हमें चाहिए। हम लोग ईदी लेने के लिए बैठ रहे हैं अभी। 500 कुछ दोनों में हम लोग ले लेंगे ना। अरे रखो रखो ठीक है, अभी बहुत है। रिजा रेहान ने ईदी में मांगी थी एक लंबी सी ड्राइव, तो बस उनको लेके जा रहे थे। कोई कैफे जाना चाह रहे हैं, यहाँ पे टोरी दिख रहा है। रेहान इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया। टोरी जो टोरी है वो गौरी खान का है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पहले से बुकिंग है और जैपनीज खाना ही है सिर्फ अंदर और फिर बाहर है। अभी क्या करें? अभी हम जहाँ जाते हैं, जहाँ हमारी औकात रोड में खड़े होंगे वहाँ पे कुछ लेंगे। मुझे लगा टोरी औरी का है, और ही का नहीं है, गौरी का है। सॉरी रेहान, टोरी नहीं जा पाए। खानी वो भैया कितने अच्छे से दिल से खा रहे हैं ना। खा रहे हैं ना, भूखा होगा बेचारा यार, राजस्थान के हैं। फ्रेंड्स हम जिसकी भी हेल्प करते हैं कोशिश करते हैं कि फेस हाइड कर दे। दिखाने का सिर्फ यही मकसद रहता है कि आप लोग भी मोटिवेट हो और आप जहाँ भी खाने जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपको कोई ऐसा दिखे ना जो भूखा हो, आप सबसे पहले उससे पूछें, उनका पहले हक है। इस वक्त फ्रेंड्स कुछ ऐसी हालत हो रही है, बाहर से आने के बाद एकदम काम पे लग गए और ये देखिए कुर्ता उतार के लूज वाली टी शर्ट पहन ली। वहां से आने के बाद सारे जो भी सूट केसेस, सारी आप ड्राइंग रूम का आपने हाल देखा था, वो पूरा हम लोगों ने ठीक किया है। लास्ट ब्लॉग में देखा था आपने, यहाँ पे कितना बड़ा पूरा सा पहाड़ बना हुआ था सामान का। वो सारी चीजें सॉर्ट आउट की, सूट केस सारी अनपैक की, खाली की है। अब ये सारी जाएंगे हमारे वो वाले फ्लैट में। और मौदहा से गिव अवे विनर्स के सूट नहीं भेज पाए थे, तो ये जाएंगे गिव अवे विनर्स को। ये आई है फ्रेंड्स ज्वेलरी, इसमें बनानी है हमें रील, तो आप इंस्टाग्राम पे चेक करिएगा। फ्रेंड्स ये था हमारा 2 दिन का व्लॉग। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। कुछ अच्छा था, कुछ बुरा था, कुछ हंसी थी, कुछ खुशी थी और कुछ गम भी था। जो भी था आपके सामने पेश कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। और हम लोग बहुत ज्यादा बिजी भी थे, मजाक से हटके, मतलब रेस्टोरेंट का बहुत काम डिले हो गया, बहुत ज्यादा। इतना लेट हमने नहीं सोचा था, लेकिन चीजें ऐसी हो जाती हैं, हर चीज हमारे हिसाब से नहीं हो पाती है, तो बहुत ज्यादा लेट हो गया। अब हम लोग बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। दुआ करिए सब कुछ अच्छे से हो जाए। हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है? इसको लाइक कर देना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। हम सबको दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।